Good morning, all of you. Welcome in this session. And in today's session, we will try to learn how to convert files of different formats so that we can use according to our need. Many times, in the Google Forms or in the online forms, they demand a specific file format. For example, sometimes they demand JPG file, sometimes we have to upload PDF file, sometimes we have to upload Word document. तो ये अलग अलग फाइल्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, जैसे जेपीजी नॉर्मली जो इमेज होता है जो हम कैमरा से पिक खींचते हैं या इमेज खींचते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो जेपीजी फाइल होती है, या फिर पीएनजी फाइल होती है, और जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है या तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है या तो फिर पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है। कई बार हमारे पास जो डेटा होता है वो एक्सेल शीट में होता है तो एक्सेल शीट भी एक फाइल का टाइप है। और अगर हमें ये एक्सेल शीट पीडीएफ फाइल के रूप में कन्वर्ट करना है, जेपीजी का पीएनजी में करना है, पीएनजी का जेपीजी में करना है, पीडीएफ फाइल का एक्सेल शीट में करना है, वर्ड डॉक्यूमेंट का पीडीएफ में करना है, पीडीएफ का हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में करना है, अकॉर्डिंग टू द नीड, तो वी नीड फाइल कन्वर्जन। एंड एट दैट टाइम वी आर इन अ फिक्स, हम फिक्स में आ जाते हैं कि अब इसको कैसे करें। सो इन दिस सेशन वी विल लर्न हाउ टू कन्वर्ट अ फाइल। वी विल टेक एग्जाम्पल्स, हम एग्जाम्पल्स लेंगे, और ये जानना आपको जरूरी है, जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट होता है तो उस वो एडिटेबल होता है, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो वो एडिट उसको कर सकता है, द पर्सन कैन एडिट इट, उसको एडिट किया जा सकता है, उसमें करेक्शंस किए जा सकते हैं, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। बट वेन इट कम्स टू पीडीएफ, पीडीएफ फाइल कैनॉट बी चेंज्ड, पीडीएफ फाइल में कोई भी चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल को एडिट नहीं किया जा सकता है जब तक हम पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट नहीं करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट में, तब तक हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। सो टुडे वी विल ट्राई टू लर्न द सिंपल प्रोसेस ऑफ फाइल कन्वर्जन। हम फाइल कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि नॉर्मली हमें डे टू डे लाइफ में जिनकी जरूरत पड़ती है। नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम एक एक करके एग्जाम्पल लेंगे सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, कि जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कन्वर्ट की जाती है फाइल्स। इज इट विजिबल, स्क्रीन क्या विजिबल है, राइट इन द चैट। ये गूगल सर्च का स्क्रीन है। Remember one thing, that files are of different types. Files अलग अलग types की होती है, and the images, ये जो screenshots होते हैं, images होते हैं, हम जो selfie खींचते हैं, ये normally JPG या PNG files होती है। Word में अगर काम करेंगे तो word document होगा, and if वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो हम उसको पी डी एफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट वी विल डू, द फाइल विच यू वॉन्ट टू कन्वर्ट, जो भी आपको फाइल कन्वर्ट करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल फॉर्म में बोला है कि एक जे पी जी फाइल चाहिए हम, उसमें कंडीशन है, उसमें ऐसी सेटिंग है कि जेपीजी फाइल ही वो एक्सेप्ट करेगा, और अगर आपका फोटो जो है वो पीएनजी में है तो आप क्या करोगे, वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा,
वो गूगल फॉर्म में अपलोड नहीं हो पाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पीएनजी फाइल से जेपीजी फाइल में। सो व्हाट वी हैव टू डू, गो ऑन दिस गूगल सर्च पेज विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर आप गूगल सर्च पेज देख रहे हो, और ये जो गूगल सर्च पेज है यहाँ पर आके आप लिखोगे ऑनलाइन ऑनलाइन फ्री जे पीएनजी, ये फाइल का प्रकार है, पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर। हम क्या करेंगे, इस ढंग से ये लिखेंगे, यहाँ पर लिखकर आ गया, वी विल क्लिक इट। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग इसमें वेबसाइट आ जाती है। तो यू कैन यूज एनी वेबसाइट हियर, यहाँ पर कोई भी जो फ्री वेबसाइट है आप यूज कर सकते हैं। तो जेपीजी या जेपीईजी ये फॉर्मेट्स होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पीएनजी इमेज है आपकी, जो स्क्रीनशॉट है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ वी हैव टू क्लिक दिस वन, ये हम इसको क्लिक करेंगे वेबसाइट को। आफ्टर क्लिकिंग इट, जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टाइटल आ रहा है पीएनजी टू जेपीजी। एंड आफ्टर दैट ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें हमें अपलोड करना पड़ेगा फाइल्स। कौन सा, वो फाइल अपलोड करना पड़ेगा जो कि हमें पीएनजी की फाइल अपलोड करना पड़ेगा जो कि हमें जेपीजी में करना है। नाउ वी विल अपलोड इट। जैसे ही हम वी हैव टू क्लिक अपलोड फाइल्स हियर, अपलोड किया मैंने, क्लिक किया, अपलोड को क्लिक करता हूं तो मेरे जो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स ये ओपन हो जाएंगे। जहां पर भी मेरा पीएनजी वाला जो डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल ये जो डीआरजी का लोगो है हमारा, वो ये तो जेपीजी का दिख रहा है, देखते हैं हम पीएनजी का कौन सा है। मे बी इट इज जस्ट अ मिनट, हम देखते हैं कि पीएनजी का एक हमें सैंपल मिलना चाहिए। यस, ये हमें लोगो मिल गया है लिटरेरी क्लब का जो है, मैंने उसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करूंगा तो नेचुरली इट विल बी लोडेड हियर। और यहाँ पर देखो ये पीएनजी का जो मैंने लोड किया था, अपलोड किया था, वो डाउन, वो जेपीजी में कन्वर्ट हो गया। नाउ आफ्टर दैट, जैसे ही वो कन्वर्ट हो गया, देखो विद इन फ्यू सेकेंड्स, इफ द फाइल इज स्मॉल, अगर फाइल ज्यादा बड़े साइज की नहीं, छोटे साइज की है, विद इन सेकेंड्स इट इज कन्वर्टेड इंटू जेपीजी, ये जेपीजी में कन्वर्ट हो गया। नाउ वॉट आई हैव टू डू, आई हैव टू डाउनलोड, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से। आई विल क्लिक डाउनलोड बॉक्स, मैंने डाउनलोड बॉक्स क्लिक किया, डाउनलोड बॉक्स जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स ओपन किए। अब मुझे ये डेस्कटॉप पर सेव करना है, या जो भी मैं फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, आई कैन सेव इट। व्हाट आई विल राइट, लिटरेरी क्लब लोगो जेपीजी। ये फाइल कौन सी थी, ये पहले ये पीएनजी थी, मैंने ऑनलाइन कन्वर्शन कर लिया। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल
आई विल सेव दिस फाइल, ये मैं सेव करके रख लू। सो इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट द फाइल्स। नाउ द सेकेंड वन, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पीएनजी से हमने जेपीजी कर लो। अब हम जेपीजी से पीएनजी करेंगे, वी विल टेक एन एग्जाम्पल, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट जेपीजी फाइल, जेपीजी टू व्हाट वी विल डू, पीएनजी, वाइस वर्सा करेंगे हम। इसमें भी फिर से ऐसे ही वेबसाइट ओपन होगी, इसको क्लिक करेंगे, वी विल क्लिक, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन। ये अब हमें क्या करना है, यस वी हैव टू चेंज द फाइल। हमने पहले पीएनजी टू जेपीजी किया था, अब हम जेपीजी टू सॉरी पीएनजी टू जेपीजी करेंगे। जेपीजी टू पीएनजी करेंगे, जस्ट अ मिनट, वी विल अपलोड फाइल्स। हमें जेपीजी फाइल अपलोड करना पड़ेगी, इसमें जेपीजी फाइल, ये डीआरजी लोगो है हमारी जेपीजी, आई विल डबल क्लिक इट, मैंने डबल क्लिक किया एंड विद इन सेकेंड से ये जेपीजी की जो डीआरजी का हमारा लोगो था वो पीएनजी में हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डाउनलोड, मुझे डाउनलोड डाउनलोड करना ना भूलें, डाउनलोड करना भूलना नहीं है आपको, अगर डाउनलोड करना भूल गए तो वो फिर मिस हो जाएगी फाइल, इसको डाउनलोड करना जरूरी है, यू हैव टू सेव इट, और उसको सेव भी करना जरूरी है। तो हम डेस्कटॉप पर इसको सेव करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हमने क्या किया, जेपीजी से उसको पीएनजी कर लिया, पीएनजी फॉर्मेट में कर लिया है। क्यों हम कर रहे हैं ये, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म्स में कई बार एक स्पेसिफिक फाइल की जरूरत होती है फॉर्मेट की, कई बार बोलते हैं जेपीजी फाइल ही चाहिए, कई बार बोलते हैं पीएनजी फाइल ही चाहिए, तो ऐसे समय पर अगर हमें अपलोड करना है पीएनजी फाइल एंड वी हैव जेपीजी फाइल, तो हमें ये ऑनलाइन जाकर कन्वर्ट करना जरूरी है, डाउनलोड करना है उसको, सेव करके रखना है। तो ये दो प्रकार का तो हमने कर लिया। नाउ व्हाट वी विल डू, जो कि नॉर्मली ये किया जाता है, जो आपका वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट में जाके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड यूज करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, और यू गो इन योर ड्राइव, गूगल ड्राइव में जाते हो, एक डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हो और वो एडिटेबल है, उसको कोई भी चेंज कर सकता है। तो ऐसे स्थिति में या ऐसे सिचुएशन में जहां पर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया बट द ऑनलाइन फॉर्मेट, जो ऑनलाइन फॉर्म है वो मांगता है पीडीएफ फाइल, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेंज फ्रॉम वर्ड टू पीडीएफ। आप उसको क्लिक करोगे वर्ड टू पीडीएफ को, यहाँ पे सामने एक ये वाली जो वेबसाइट है बहुत ही पॉपुलर है, आई लव पीडीएफ, ये जो लिखा हुआ है ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा भी कन्वर्ट वर्ड टू पीडीएफ, तो हम इसको क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग इट हम अब वर्ड फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, वी विल क्लिक इट, अपने कंप्यूटर से हम सिलेक्ट करेंगे हमारी वर्ड फाइल, इसमें बहुत सारी वर्ड फाइल्स हैं, जैसे सर्टिफिकेट कोर्स की भी हमारी बहुत सारी इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वर्ड फाइल को कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ में। पीडीएफ में कन्वर्ट करने का क्या फायदा होता है, कि वो एडिटेबल नहीं होता, और इन सर्टेन फॉर्म्स
इन सम फॉर्म्स दे डिमांड ओनली पीडीएफ फाइल। अब ये जैसे ही डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो गया तो यहाँ पर आई लव पीडीएफ में यहाँ पे राइट साइड में नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू पीडीएफ, वी विल क्लिक इट। हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो गया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डाउनलोड। हम डाउनलोड करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एंड व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सेव। हम सेव करेंगे और उसके आगे जरूर लिखेंगे सेव करते समय पीडीएफ, कि हमारे पास दो तरीके का ये डेटा है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट। इसको हम सेव कर लेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप। नाउ द अनदर टाइप, एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स, समटाइम्स इट हैपन्स दैट यू हैव रिसीव्ड अ पीडीएफ फाइल। कई बार ऐसा होता है कि कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, फाइल होता है एंड यू हैव डाउनलोडेड पीडीएफ, मगर आपको लगता है कि वो पीडीएफ का कुछ हिस्सा यू कैन यूज इट इन योर असाइनमेंट्स, इन योर प्रोजेक्ट। कोई इमेजेस होती है, कोई यू कैन से कोई टेक्स्ट होता है, कोई लिटरेचर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, हम कुछ हद तक उसको यूज कर सकते हैं। बट इफ इट इज अ पीडीएफ फाइल, अगर वो पीडीएफ फाइल है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम ना उसको एडिट कर सकते हैं ना यूज कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट पीडीएफ फाइल। हमें पीडीएफ फाइल वर्ड में कन्वर्ट करने होती है। तो हम क्या करेंगे, अब एक पीडीएफ का एग्जाम्पल लेंगे और उसको वर्ड में वाइस वर्सा करेंगे। पहले हमने वर्ड से पीडीएफ किया, अब पीडीएफ से वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इन इन वर्ड फाइल। हम वर्ड फाइल में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये ऐसा ही है, फिर द सेम प्रोसेस, द सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो। इसको क्लिक करेंगे, आई लव पीडीएफ को, वी हैव टू सिलेक्ट द पीडीएफ फाइल। हमें पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करना है। अभी अभी हमने एक पीडीएफ फाइल को, वर्ड को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट किया था, तो हम फिर से उसको वर्ड में करेंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन गो फॉर दिस वन, दिस फाइल। हमने पीडीएफ फाइल एक सिलेक्ट की। अब जैसे ही हम पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करते हैं कन्वर्ट करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है नो ओसीआर और एक आता है ओसीआर। तो नो ओसीआर में इट इज फ्री, ये फ्री होती है, और ओसीआर अगर करना है तो प्रीमियम, मतलब यू हैव टू पे फीस। तो आपको क्या करना है, नो ओसीआर को टिक मार्क करना है और यहाँ पे राइट साइड में ये जो लिखा है कन्वर्ट टू वर्ड, इसको क्लिक करना है। इसमें फिर से पूछ रहा है कंटिन्यू विद ओसीआर या अप्लाई ओसीआर, तो हम लिखेंगे कंटिन्यू विद ओसीआर, विदाउट ओसीआर। कंटिन्यू विदाउट ओसीआर हमने किया तो फाइल कन्वर्ट हो गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड द वर्ड फाइल। तो हमने जो पीडीएफ जो फाइल थी हमारे पास में, हमने क्या की, इसको डाउनलोड करना है और इसको यहाँ पर सेव करने का। सो वी हैव डन आवर वर्क। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स दैट, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सेल फाइल्स होती हैं हमारे पास में। एक्सेल फाइल का मतलब होता है वेयर देयर इज ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल डाटा जिसमें होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल शीट्स में, ये हमारा गूगल ड्राइव है, ये मतलब गूगल एप्स है, वर्क स्पेस है। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, नॉट हियर, यहाँ पर मेरे पास कुछ एक्सेल की फाइल है। मैं गूगल शीट्स में बताता हूँ, गूगल शीट्स की कुछ फाइल्स हैं जो कि एक्सेल में है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये मेरे पास एक्सेल शीट है, इज इट विजिबल? क्या ये दिखाई दे रही है एक्सेल शीट यहां पर आपको? राइट इन द चैट, क्या आपको एक्सेल शीट दिखाई दे रही है? ओके, तो ये जो एक्सेल शीट है, कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर पीडीएफ की जरूरत पड़ती है, मतलब ये जो एक्सेल शीट है इट इज एडिटेबल, यहाँ पर आप एडिट एडिट कर सकते हो, इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब इसमें कोई कॉलम जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, साइज इंक्रीज कर सकते हो, नाम ऐड कर सकते हो। देखो फुल नेम लिखे, स्टूडेंट्स के लिखे हैं, ये पूरा लिस्ट है जिसमें पूरा डेटा है स्टूडेंट्स का, ईमेल आईडी से लेके हर चीज है इसमें, फोन नंबर से लेके हर चीज है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक्सेल शीट है, एंड दिस एक्सेल शीट यू नीड इन पीडीएफ, हमें ऐसे फॉर्मेट में चाहिए फाइल जिसको कोई एडिट ना कर सके। तो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू जस्ट अ मिनट, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। हम इसको इस ढंग से सेव करेंगे कि वो पीडीएफ का रूप ले ले। नाउ इसको करने के लिए, एक्सेल शीट को पीडीएफ में करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो एक्सेल शीट का ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या टाइटल क्या लिखा है? टाइटल तो लिखा होगा, ईमेल आईडी लिस्ट ये सब की है। उसके नीचे के हिस्से में लिखा है फाइल एडिट व्यू, ये लिखा हुआ है। उसके नीचे में देखो अंडू और रीडू है, और उसके बाजू में प्रिंट का ऑप्शन है, मतलब आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, एंड यू कैन सेव इन द पीडीएफ फॉर्मेट, आप पीडीएफ फॉर्मेट में भी इसको सेव कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, ये अंडू और रीडू के जस्ट बाजू में जो प्रिंट का ऑप्शन है इसको क्लिक करना है आपको। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये पेज जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे सबसे पहले राइट साइड में देखो, सबसे ऊपर प्रिंट लिखा हुआ है करंट शीट, मतलब से ये पहली शीट को कह रहा है कि क्या इसको प्रिंट करना है। तो हमें क्या करना है, करंट शीट को करना है। फिर पेपर साइज, पेपर साइज जो रहेगा नॉर्मल जो ऑफिशियल साइज होता है, इसमें तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, लेटर 8.5 इंच का आता है। हम क्या करेंगे, जो जो सबसे स्टैंडर्ड साइज है वो है A4, जेरोक्स का जो पेज होता है, व्हेन यू गो टू फॉर जेरोक्स, आप जब जेरोक्स के लिए जाते हो तो A4 साइज का पेपर यूज करते हो, तो ये A4 साइज का हम इसको सिलेक्ट करेंगे पेपर साइज। इसका ओरिएंटेशन जो है वो लैंडस्केप ही रहने देंगे, ऐसे ही रहने देंगे, कस्टमर नंबर जो भी है, मार्जिन्स वैसे ही रहने देंगे। और क्या करेंगे फिर, राइट साइड में सबसे ऊपर एक कैंसल का है बॉक्स और एक नेक्स्ट का है, वी विल डू, वी विल क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल क्लिक नेक्स्ट, जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट तो ये जो प्रिंट का पोर्शन है, ये देखो राइट साइड में एक बॉक्स, ये पूरा बॉक्स ओपन होगा। सबसे पहले प्रिंट लिखा है 6 पेजेस, डेस्टिनेशन सेव एज पीडीएफ है, इसमें और भी ऑप्शंस हैं, इसमें प्रिंट भी आप कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं एज पीडीएफ। तो सेव एज पीडीएफ का हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पेजेस को ऑल कर सकते हैं, या कोई एक जितने भी 6 पेजेस में से जितने पेजेस चाहिए आप कर सकते हैं,
1, 2, 3, 4, 6 पेजेस हैं, तो इसमें कोई भी पेजेस कर सकते हैं। हम ऑल का ऑप्शन लेंगे। पेजेस पर शीट 1 रहेगा, मार्जिन्स वैसे ही रहेगा, ये सब चीजों की कुछ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे सबसे लास्ट में, सबसे नीचे सेव का एक बॉक्स आएगा, इसको क्लिक करना है सेव। व्हेन यू विल क्लिक सेव सेव बटन, तो ये देखो यहाँ पर हमारा वो सेव करने का आ गया कि कहाँ पे हमें सेव करना है, हमें सेव कहाँ करना है, ये डेस्कटॉप पर करना है। हम ईमेल आईडी लिस्ट और इसका हम लिखेंगे, ये हमारा पीडीएफ का शीट है, हमने एक्सेल से पीडीएफ बनाया है, तो इसको पीडीएफ लिख देंगे हम, जिससे कि हमें याद रहे, और हम इसको क्लिक करके सेव कर लेंगे जहां पर भी, चाहे डेस्कटॉप में हो या डॉक्यूमेंट्स में हो या जहां पर भी आपका फोल्डर है वहां पर आप इसको सेव कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड हाउ टू कन्वर्ट एक्सेल शीट इनटू पीडीएफ। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, कई बार कैसे होता है, कुछ पीडीएफ होते हैं हमारे पास जिसको हमको एक्सेल शीट के रूप में चेंज करने की जरूरत पड़ती है। वर्ड में तो हम चेंज करते ही हैं, बट इफ इट इज अ डेटा, अगर कोई पीडीएफ में डेटा है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनके मोबाइल नंबर है, उनके ईमेल आईडी है, पीडीएफ में हमें मिला वो फाइल, एंड इफ वी वॉन्ट टू चेंज इट इंटू एक्सेल शीट, तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे सर्च में, जाएंगे सर्च में जाके हम लिखेंगे पीडीएफ टू, पीडीएफ टू, पीडीएफ टू एक्सेल, पीडीएफ टू एक्सेल, आई लव पीडीएफ में जाएंगे हम। व्हेन यू विल क्लिक इट, जैसे ही क्लिक करोगे तो सिलेक्ट करोगे पीडीएफ फाइल, यहाँ पे पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करते हैं, कोई ऐसी पीडीएफ फाइल सिलेक्ट करते हैं वेयर देयर इज सम काइंड ऑफ यू कैन से डेटा, कुछ डेटा हो जिसमें, देखते हैं कोई डेटा वाला हमारे पास है क्या, उसको हम कन्वर्ट करेंगे। ओके वी विल गो फॉर दिस वन, ये हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स का एक पीडीएफ था, हम इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करेंगे, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट। सेम प्रोसीजर है, राइट साइड में आई लव पीडीएफ वाले ये जो वेबसाइट में राइट साइड में आता है कन्वर्ट टू एक्सेल, वी विल क्लिक इट, हम क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स इट इज कन्वर्टेड, इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके वी विल ट्राई टू सेव इट, हम सेव करेंगे डेस्कटॉप पर और यहाँ पे लिख भी लेंगे एक्सेल फाइल या एक्सेल शीट या ओनली एक्सेल यू कैन राइट, और यहाँ पर सेव कर लेंगे। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स, आई एम स्टॉपिंग शेयरिंग हियर। सो दीज आर सम सैम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, वेन एवर यू नीड टू कन्वर्ट, जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, ऑनलाइन गूगल फॉर्म भर रहे हो या ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो फॉर रजिस्ट्रेशन या कोई एप्लीकेशन है, जॉब का एप्लीकेशन है, सो रिमेम्बर डैट वॉट काइंड ऑफ फाइल दे आर डिमांडिंग, कौन सी फाइल वहां पर वो अपलोड करने को बोल रहे हैं, कौन सा टाइप वो बोल रहे हैं, देखना जरूरी है वहां पर। वहां पर लिखा रहता है ब्रैकेट में ओनली जेपीजी, ओनली पीएनजी, पीडीएफ, वर्ड फाइल्स आर एक्सेल फाइल्स आर एक्सेप्टेड, वहां पे कौन कौन सी फाइल का टाइप
एक्सेप्ट किए जाते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू यू हैव टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग, वो आपको चीज की जानकारी चाहिए। जैसे ही आपको जानकारी मिलती है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, भले वो मार्कशीट्स हो, आपका डेटा हो, एक्सेल शीट में हो, पीडीएफ में हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में हो, जेपीजी का इमेज हो, पीएनजी का इमेज हो, वॉट एवर इट इज, जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास इमेजेस हैं, आप क्या करिए, वो ऑनलाइन फॉर्मेट के हिसाब से आप कन्वर्ट करके रखिए, उसका एक फोल्डर बना के रखिए। व्हेन यू विल मेक अ फोल्डर, जब फोल्डर बना के रखोगे, जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, तो नेचुरली यू विल बी क्वाइट इजी टू अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आपको कुछ टिप्स मैंने दिए हैं, दीज टिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फाइल कन्वर्शन का पार्ट है, कई बार हमें जानकारी नहीं होने से, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको काम को पूरा नहीं कर पाते। वी गो टू साइबर कैफे, साइबर कैफे हमें जाना पड़ता है, हमें पूछना पड़ता है, एंड फॉर अ सिंपल वर्क, एक सिंपल जो कि कुछ सेकंड्स में हो सकता है, उसके लिए वी हैव टू पे फीस और सम मनी, सम अमाउंट ऑफ मनी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न टेक्नोलॉजी। और ये वाला जो एस्पेक्ट है कन्वर्जन का, फाइल एंड कन्वर्जन का, ये याद रखना है हमें। एंड ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू डू ट्रायल एंड लर्न। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। और नेक्स्ट सेशन में हमारा जो कल हमें एग्जाम के लिए, असेसमेंट के लिए और फीडबैक फॉर्म बना है, उसका मैं बताऊंगा कि कैसे आपको वो ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन करना है। वो फॉर्म मैं ओपन करूंगा ये सेशन में, अगले सेशन में। वी विल मीट एट 10, 10 बजे हम मिलेंगे, एंड इन द सेकंड सेशन वी विल लर्न हाउ टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।